हाँ, हम आपको ये बताने आ जा रहे हैं कि लड़के परीक्षा में क्या गलती करते हैं, किस कारण से उनको नंबर कम मिलता है। ठीक है, तैयार करके देखिए। कुछ लड़कों के हम यानी कापियां अब चेक करने जा रहे हैं, जिन्होंने लिखा तो है यानी घर से उन्होंने याद किया है कि हमने याद किया, लेकिन लिखते समय गड़बड़ा जाता है। ठीक है, कारण यह है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब आप घर पे पूरा तैयार करें, तैयार करने के बाद कम से कम 2 बार कॉपी पर लिखें, तब जा करके आप टेस्ट देंगे तो आपको नंबर मिलेगा। अब देखिए तुम्हारे सामने है कि लड़का खूब तैयार कर मेहनत करके रटा है, सच्चाई एक रटा है वो, लेकिन फिर भी वो जो है गलती कर जा रहा है। तो क्यों गलती हो रही है उसके साथ? क्योंकि उसके अभ्यास की कमी है। केवल रटने से ही काम नहीं चलेगा। जैसे लड़का कहता है कि हम गुरु रट तो लेंगे लेकिन इम्तहान तक हमारा बना नहीं रहेगा। अरे उस इम्तहान तक के बीच में कम से कम 2-3 बार आप उसको लिखेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हमको ऐसे लिखेंगे। मारी बात सुन। और देखे इन सबको क्लियर करने के लिए हम रोज शाम को वीडियो बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको इतनी सुविधा दे रहे हैं। अब उसका भी आनंद नहीं लोगे तो फिर भाई तो बड़ी बेइज्जती की बात है। ठीक है, अब पाठक को बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। आप जितने भी विद्यार्थी हो गए, देखो शाम को हमारा सब चैनल पर चल रहा है, उसको आप जो है जरूर देखें। जहां कोई प्रॉब्लम है सीधे प्लेलिस्ट में जाकर के बटन दबाओ, खट से आपका आ जाएगा। ठीक है, सारा समस्या दूर हो जाएगी। अब देखिए इनकी कॉपी चेक करने जा रहे हैं। हाँ बेटा, देखिए इस लड़के ने याद तो किया है और स्टाइल भी पाठक के लगाने की कोशिश की है, लेकिन पहले गलती हो गई बेटा। थर्ड लेवल पार्ट का नाम है, इस पर कितना बार रिपीट किया गया देखो जरा तुम। ये सब गंदी बात है बेटा, यानी कि ये माइनस पॉइंट है आपके। याद कर इसका मतलब केवल याद करके कक्षा में आकर के जब टेस्ट लिया गया तो सीधे लिखना शुरू कर दिया, घर पर एक बार फिर लिखा नहीं, तो घर पर नहीं लिखा तो गड़बड़ी पैदा होगी सर पक्का। तो देखिए जहां जगह जगह पर तो ये नंबर जो है नहीं मिलेगा टेस्ट। ठीक है, अब लिखा तो इन्होंने जो है सही है, कहीं स्पेलिंग गलत है, कहीं कुछ गड़बड़ है, तो इसमें जो है आपको नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा। ये देखो ये 7 नंबर का क्वेश्चन था, आधा तिहाई इन्होंने लिखा है, इसलिए जबकि इनको याद होगा। अब घर पर जाके पछता रहे हो, लड़का पछता रहा होगा कि यार याद था लेकिन लिख नहीं पाए, इसलिए नहीं लिख पाए कि इन्होंने घर पे अभ्यास नहीं किया। तो कैसे नंबर दे देंगे, जबरदस्ती नंबर दे देंगे क्या? अरे बोर्ड की कॉपी थोड़ी जाते हैं, घर की कॉपी जाते हैं। तो ये सब कमियां जो है दूर करनी चाहिए बेटा। इनको केवल इस पर 4 नंबर मिलेगा बेटा, केवल 4। सेंट्रल आइडिया सही है, सही है। ये तो इनका इसका मतलब 2 बार इसको लिखा है इसने, लेकिन कोटेशन फिर भी नहीं लिखा। चलो ठीक है, 3 नंबर मिला सही है, सही है, सही है। इनको मिलेगा इस पर 1.5 नंबर। नंबर कटते जा रहे हैं बेटा, देखो ये सही जवाब है, पैसे वैसे सही है। और आगे सारे क्वेश्चन छूट गए, तो सारे क्वेश्चन छूट गए तो नंबर कम हो गया, साफ साफ बात है। ठीक है, तो ये सब कमियां हो रहा, 2.5, 3.5, 5.5, 5.5, 4, 9, 9.5 नंबर मिला। सोचो 9.5 नंबर मिला कितने में? 25 में। तो ये सब कमी है बेटा, ये सब गड़बड़ियाँ नहीं होनी चाहिए आपके। अब देखिए इस करके लिखा, अभी अभी हमने पढ़ाया, इतनी मेहनत करके फिर भी हमारी नाक कटाने के लिए यार तुम लोग बैठे हो, ये देखो सेंटेंस ये सब गड़बड़ हो गया। इंटर्न पढ़ते हो तुमको पता ही नहीं कि आई कैसे लिखा जाता है, गंदी बात है। ये देखो आई ऐसे लिखा है, अभी अभी सब पढ़ाया होता है सब, देखो आपका गलत हो गया, कोई नंबर नहीं मिलेगा, गलत हो गया, लिखे नहीं। तो बताइए हम कहाँ से नंबर दे देंगे, जबरदस्ती दे देंगे क्या? ये बोर्ड की कॉपी नहीं है, यहाँ तो घर की कॉपी है ना, तो यहाँ हम एक एक चीज़ देखेंगे, चेक करेंगे ना कि हमारा लड़का ठीक चल रहा है कि नहीं। शाम को हम इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुकुर हमको थोड़े काटे, से मेहनत करो।
सब गड़बड़ है, अब मूड खराब, अब नंबर नहीं मिलेगा, ले जीरो बटा सन्नाटा है, कुछ लिखे ही नहीं तो कहाँ नंबर देंगे, जबरदस्ती नंबर देंगे क्या? द फ्रेंड ऑफ चार्ली, गंदी बात है, सब गलत है, मेहनत करो तब जाकर के आपको नंबर मिलेगा, एक नंबर मिला, एक नंबर मिला बस। लॉन्ग आंसर यहां पर लिखे नहीं, तीन दो नंबर मिला, दो एक दो चार, चार ये सब बहुत गड़बड़ है, और किसी में कोई नंबर ही नहीं है तो कहाँ जबरदस्ती नंबर देंगे क्या? चार नंबर मिला ले, अब ये तो सही ढंग से कहाँ पीछे की फेल हैं, ये सब कमियाँ उठाए, सब दूर करो, हमारे पढ़ाने से आशीर्वाद देने से नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? जब आप परिश्रम करोगे और उसका सतत अभ्यास करोगे तब जाकर के आप जीवन में कुछ कर पाओगे। इन कुछ आधे लड़के तो ये सोचते हैं कि सर जी किसी तरीके परीक्षा, बोर्ड परीक्षा पास हो जाए, इंटरमीडिएट शादी उदी हो जाए हमारी, तो शादी के लिए नहीं पाठक पढ़ाते यार, आपको काबिल बनाते हो जाए ताकि आप अपने पैर पर खड़े उसको देखो वीडियो, वो काबिल लड़के बनते हैं। अभी कल एक लड़का आया कहा कि सर जी केवल आपका यूट्यूब देख करके हमने पढ़ाई की थी और हमारा 91 नंबर आया इंटरमीडिएट में, 91 साफ साफ बता रहे हैं, वो सीधे बताने आया था कि सर जी आप यहाँ पे मार नहीं पाए लेकिन यहाँ आपके कोचिंग आ नहीं पाए थे और हमने केवल आपका यूट्यूब देख करके पढ़ा था, 91 नंबर आया था। तो आप कैसे आएगा जब आप उसको फॉलो करोगे पाठक को, तब तो आएगा ना। तो आपको सलाह देते हैं कि शाम को हमारा यूट्यूब पर चल रहा है, अभ्यास पढ़ाई सब कुछ हम करा रहे हैं, तो बोर्ड परीक्षा का सारा अंसार करा रहे हैं, कम से कम वही ध्यान से देखो, मूड खराब कर देते हो यार तब जाकर के नंबर मिलेगा। ऐसे जैसे हमारा मूड खराब हुआ है इसी प्रकार से एग्जामिनर का भी मूड खराब होता है, वो नंबर काट देता है, साफ साफ बात, ठीक है बेटा बाद में देखेंगे।